ट्रैक्टर बढ़ता ना, पहले ट्रैक्टर ने बढ़ाया है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़। इस समय की जो आपको मैंने घटना दिखाई है, इसको मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, ये घटना जो आई है या इसकी जो वीडियो आई है वो लगभग 1-1.5 घंटे पहले आई है और अब तो वहां पर प्रशासन पहुंच चुका है। लेकिन ये घटना बहुत ज्यादा भयंकर घटना हुई है और इसमें काफी हमारे किसान भाइयों का मतलब माल गया है और मजदूरों की जान भी जाने की काफी आशंका इसमें जताई जा रही है और काफी लोग इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि इसमें मजदूरों की कितनी संख्या थी। और किसान भाइयों, ऐसा होता है तो ये अब तक की यानी आज तक इतनी बुरी घटना किसी ने नहीं सुनी होगी ना देखी होगी। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी घटना आगे भविष्य में कभी ना हो और जो घटना हुई है इसमें जो मजदूर हैं उनको थोड़ी सख्ती दे और कैसे भी वो अच्छी तरह बाहर निकले। क्योंकि किसान भाइयों, ये जो घटना हुई है बहुत ज़्यादा भयंकर घटना है और इस घटना की पूरी आपके लिए वीडियो में अभी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इसका मैं एड्रेस बता देता हूँ कौन सी जगह की ये घटना है। तो किसान भाइयों, ये घटना है तुम्हारे चड़ौसी से 5 किलोमीटर पास में जो बिसौली मतलब बदायूं जो जिला है वहां पे ये घटना हुई है और इस कोल्ड का नाम है एआर कोल्ड स्टोरेज और ये कोल्ड पड़ता है किसान भाइयों ओरछी चौराहे पे इस्लाम नगर मार्ग पे ये कोल्ड पड़ता है एआर कोल्ड स्टोरेज। उसका एक चैम्बर पूरी तरह गिर चुका है और इसमें काफी नुकसान हुआ है, किसान भाइयों का भी नुकसान हुआ है लेकिन मजदूर भाई की जान जाने की इसमें आशंका जताई जा रही है। अभी इस चीज की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है कि इसमें कितना नुकसान हुआ है, जो मजदूर भाई हैं कितने इसमें दबे हुए हैं, अभी इस चीज की कोई भी पुष्टि नहीं है। किसान भाइयों, ये जो वीडियो है मैं आपके लिए और जानकारी देने वाला था लेकिन सबसे पहले मुझे ये घटना आपके लिए बताना जरूरी था, इस वजह से ये घटना आपके लिए दिखाई है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के पास शेयर कीजिए कि ऐसी घटना से काफ़ी ज़्यादा लोग सतर्क रहें और किसान भाइयों आगे इस चीज़ की ऐसी कोई घटना कभी ना हो। और मैं प्रार्थना एक और करना चाहूँगा कि इन किसान भाइयों के लिए या मजदूर भाइयों के लिए जिनकी जान गई है उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ इनको मुआवजा दे या कुछ ना कुछ इनके लिए व्यवस्था करने की कोशिश करे। क्योंकि किसान भाइयों, इतना बड़ा हादसा बहुत हमारे दुखद की बात है और हो सकता है कि ये वीडियो मुझे नहीं बनानी थी लेकिन आपके लिए जानकारी थी देना जरूरी है क्योंकि इतना जो दुख वाली खबर है इस समय ऐसी वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगता है बनाने में लेकिन मुझे मजबूरी है, मुझे आपके लिए वीडियो दिखानी पड़ रही है। लेकिन किसान भाइयों, इनके लिए मैं शांति चाहूँगा कि ऊपर वाला इनके लिए शांति दे और मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने वाला आपको नहीं हूँ। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। नमस्कार।